हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस के लेक्चर नंबर 13 में जो है टेबल की, जो टेबल में बॉर्डर होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे कि टेबल को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। तो ये टेबल में सबसे पहले जो हमारा टेबल बॉर्डर होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कोलेप्स टेबल बॉर्डर के बारे में बता दूँ। ये कोलेप्स जो है टेबल बॉर्डर है, इसका कोड मैं लिख के बताता हूँ, ये फिर इसको डिफाइन भी करते हैं कि ये कोलेप्स टेबल बॉर्डर क्या होते हैं। अब कोलेप्स टेबल बॉर्डर जो है इसकी प्रॉपर्टीज होती है, सेट करते हैं टेबल के बॉर्डर के साथ, और इसको कोलेप्स होना चाहिए इनटू अ सिंगल बॉर्डर। तो इसका कोड मैं लिखता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है वो टेबल है, टेबल के बाद हमारे पास एलिमेंट होता है टीडी, टेबल डेटा, और उसके बाद टेबल हेडर। अब ये जो है इसका कोड हम लिख रहे हैं, इसमें मैं बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद इसकी प्रॉपर्टीज वन पिक सॉलिड कर देता हूं। ये कोड जो है अच्छी तरह आप चेक करें, लिखें और इसको अच्छी तरह चेक करें, और उसके बाद टेबल पे कोड अप्लाई करता हूँ। ये जो है टेबल पे है अभी। अब टेबल पे जो है विड्थ, और विड्थ के बाद जो है इसकी विड्थ में 100% कर देता हूँ टेबल की, और जो है उसके बाद इसका बॉर्डर कोलेप्स कर देता हूँ। बॉर्डर कोलेप्स, ये बॉर्डर कोलेप्स मैंने कर दिया, और उसके बॉर्डर कोलेप्स के बाद बॉर्डर कोलेप्स में जो है इसको प्रॉपर्टीज की वैल्यू दे दी कोलेप्स। अब ये कोलेप्स की वैल्यू दे दी मैंने। अब ये कोड आप कोई भी टेबल बनाएं और उस पर ये कोड सीएसएस का स्टाइल के जो हमारा एलिमेंट है उसके अंदर दें, और ये चेक करें कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो है वो जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो अलाइन होती है टेबल के टेक्स्ट के अंदर। हमारा टेबल में इस तरह जो है वो एक सेल होता है, सेल के अंदर आपकी जो अलाइनमेंट है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। तो इस तरह की अलाइनमेंट होगी, इस तरह की अलाइनमेंट होगी। तो ये अलाइनमेंट जो है हम सेट करने के लिए क्या करते हैं, अब हॉरिजॉन्टल अलाइन सेट करनी है तो मैं टीडी के अंदर जो है उसका कोड लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन। ये सिंपल होता है, टेक्स्ट अलाइन जैसे लिखते हैं, और उसको मैं कर दूंगा सेंटर। ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइन। अब वर्टिकल में क्या करेंगे, वर्टिकल में जो है टेक्स्ट टीडी के ही कोड में हम अप्लाई करेंगे हाइट, इसकी मैं हाइट दे देता हूं। हाइट जो है उसकी 50 पिक्स है, और उसके बाद वर्टिकल अलाइन लिखेंगे। अब वर्टिकल अलाइन जो है आपने लिखना है वर्टिकल अलाइन, पहले हमने टेक्स्ट अलाइन लिखा था, इसमें क्या लिखेंगे वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन जो है आप, मैं यहां पे बॉटम कर देता हूं, आप जो है बॉटम है या टॉप है या मिडल है या सेंटर है, जो भी है आपकी वो सेट कर सकते हैं। तो इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी इस कोड में मैंने अप्लाई कर दिया है। अब ये कोड मैं मिटाता हूँ तो एक दूसरे कोड लिखते हैं टेबल के बारे में। अब टेबल स्टाइल बॉर्डर और उसके बाद जो है वो पैडिंग वगैरह जो भी है उसकी आप सेट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको जो है एक मुकम्मल स्टाइल के साथ जो है टेबल बना के दिखाता हूं। स्टाइल
और स्टाइल के अंदर जो है आपने टेबल लिखना है। अब टेबल टेबल का एलिमेंट है, टेबल के एलिमेंट में बॉर्डर कोलेप्स लिखते हैं, बॉर्डर कोलेप्स। अब ये बॉर्डर कोलेप्स जो है इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो है कोलेप्स। और उसके बाद जो है इसकी विड्थ जो है मैं 100% दे देता हूं, टेबल की विड्थ 100%। और उसके बाद जो है टेबल हेडिंग पे TH और TD पे जो है कोड लगाते हैं। अब TH और TD पे जो है पैडिंग दे देता हूं मैं, पैडिंग में 10 pixels की मैं पैडिंग दे देता हूँ इसको 4 sides। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन है, ये टेक्स्ट अलाइन जो है आपकी टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइन होती है। और टेक्स्ट अलाइन में मैं इसको जो है लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट सेंटर राइट जो भी आपने जस्टिफाई करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है बॉर्डर है, अब बॉर्डर जो है इसको मैं कर देता हूँ बॉटम 1 pixel सॉलिड। इसमें टेबल में बॉटम 1 pixel सॉलिड सॉलिड बॉर्डर लगा दिया मैंने। और उसके बाद उसका कलर है तो कलर भी आप दे दें। और इसको स्टाइल को जो है यहाँ पे क्लोज करके ये कोड भी आप लिख कर जो है उस पर अप्लाई करें। ये जो टेबल की प्रॉपर्टीज थी, और टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर जो है हमने टेबल एलिमेंट और टेबल हेडर और टेबल डेटा पे TD पे TH पे जो है वो CSS का कोड फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई किया। उम्मीद है कि आपको ये कोड अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और आप नोटबुक पर लिखकर इसको अप्लाई करके चेक भी करेंगे ब्राउज़र के अंदर कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।